करौली जिले में सड़क के साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु पुलिस की अनूठी पहल। बरगवां से बैढ़न साइकिल रैली निकालकर दिया जागरूकता का संदेश। 31 में सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन के अवसर पर सिंगरौली पुलिस अधीक्षक श्री अभिजीत रंजन के निर्देश अनुसार SDOP सिंगरौली डॉक्टर कृपा शंकर द्विवेदी के मार्गदर्शन में बरगवां निरीक्षक मनीष त्रिपाठी द्वारा बरगवां से बैढ़न तक साइकिल रैली निकालकर आम जनों को अपनी सुरक्षा के साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का संदेश दिया गया। शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे बरगवां थाना से सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी, सरपंच एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों द्वारा साइकिल से बैढ़न तक का सफर कर लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर SDOP डॉक्टर कृपा शंकर द्विवेदी द्वारा सभी को कैप देकर उन्हें सड़क सुरक्षा के विषय में जानकारी दी गई, जिसके बाद SDOP महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस साइकिल रैली को रवाना किया गया। खुद भी सुरक्षित रहे, सामने वाले व्यक्ति को भी सुरक्षित रखें, इसके लिए उनके बीच जागरूकता फैले, उनका ज्ञान वर्धन, इस उद्देश्य के साथ ये रैली। सर, एक प्रतिदिन दुर्घटना हो रही है, सर उसके बारे में क्या? प्रतिदिन दुर्घटना हो रहा है, निश्चित रूप से ये जो है बहुत ही दुखद भी है, अस्वीकार्य है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस की तरफ से और साथ ही साथ विशेषकर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगातार इसमें प्रयास जो है किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दुर्घटनाओं की संख्या घटी है पहले से काफ़ी, लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि अगर एक व्यक्ति की भी जान जाती है तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही जनक, हमें वो भी स्वीकार है, निकट भविष्य में और भी व्यवस्था करेंगे। सर, आप जब से आए हैं तब से यहाँ पर गुंडा बदमाशों में सर बहुत डर है। सर, इस एनर्जी का कारण जानना चाहेंगे कि आपकी एनर्जी आती कहाँ से है? कोई एनर्जी नहीं आती है, एक्चुअली चैलेंज जितना आता है उसी हिसाब से फिर हम लोगों की एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। पुलिस का काम है लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, लोगों में एक शांति का संदेश जाना, और जो गुंडे बदमाश हैं उसमें ये मैसेज जाना कि उनके साथ बहुत ही सख्त व्यवहार होगा, और ये मैसेज लगातार यहाँ पे जा रहा है। हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, प्रत्येक अधिकारी से लेकर के हमारे नीचे स्तर के जो कॉन्स्टेबल हैं वो भी कुल मिलाकर के अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबकी सामूहिक सफलता है।